नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉर्म पेन टूल के बारे में। फ्री फॉर्म पेन टूल एक पेन या पेंसिल की तरह ही है। जिस तरह से हम पेन या पेंसिल से ड्राइंग पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं, उसी तरह से हम फ्री फॉर्म पेन टूल की मदद से ड्राइंग कर सकते हैं या किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ड्राइंग करते जाएंगे, एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे और जब हम पथ को पूरा कर लेंगे उसके बाद एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पैनल पे जाएंगे और पेन टूल पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहां से फ्री फॉर्म पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। अब हमें पेन या पेंसिल की तरह ही ड्राइंग या सिलेक्शन करना है। जैसे ही हम ड्राइंग या सिलेक्शन करना शुरू करेंगे, पथ क्रिएट होता जाएगा और पथ पूरा हो जाने के बाद इस पथ के ऊपर ऑटोमेटिकली एंकर पॉइंट ऐड हो जाएंगे इस तरह से, जिसे हम ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड रखते हुए कंट्रोल पॉइंट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रीफॉर्म पेन टूल से स्ट्रेट पथ क्रिएट करने के लिए ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और माउस से जहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है वहां पे क्लिक करेंगे और उसके साथ ही स्ट्रेट पथ क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। और जब पथ पूरा हो जाएगा तो पथ के ऊपर एंकर पॉइंट आ जाएंगे। जब रफ सिलेक्शन करना हो तो फ्रीफॉर्म पेन टूल से ये क्विकली कर सकते हैं। ज़्यादातर ये दूसरे सिलेक्शन टूल के साथ सपोर्टिव रोल ही प्ले करता है। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पथ, शेप और पिक्सल। सिलेक्शन करते वक्त यहाँ पे पथ सिलेक्ट होना जरूरी है। अब यहाँ पे इस गियर आइकॉन को ओपन करते ही पथ ऑप्शंस नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कर्व फिट ऑप्शन को हम देखेंगे। यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 पिक्सल्स होती है, जिसे हम चेंज करके 0.5 पिक्सल्स से मैक्सिमम 10 पिक्सल्स तक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही सिलेक्शन पथ पे एंकर पॉइंट की संख्या ज़्यादा होगी और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही सिलेक्शन पथ पे एंकर पॉइंट की संख्या कम होगी। 0.5 पिक्सल पे फ्रीफॉर्म पेन हमारी मूवमेंट पे बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और सब्जेक्ट की एज को क्लोजली फॉलो करती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इससे बहुत ही अननेसेसरी एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। 10 पिक्सल्स पे ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट की एजिस उतनी अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, तो बेहतर है कि इमेज के हिसाब से इसका यूज करें। यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को टिक कर देने से फ्रीफॉर्म पेन मैग्नेटिक पेन में चेंज हो जाएगी, जो कि मैग्नेटिक लासो टूल से काफ़ी मिलता जुलता काम करेगी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ। यहाँ पे विड्थ की रेंज 1 पिक्सल से 256 पिक्सल्स तक की होती है। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे मैग्नेटिक पेन पॉइंटर से उतने पिक्सल्स की रेंज में एज को डिटेक्ट करेगी। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू 1% से 100% तक होती है। यहाँ पे हम जितने परसेंट कॉन्ट्रास्ट एंटर करेंगे उतने परसेंट कॉन्ट्रास्ट वाले पिक्सल्स के बीच मैग्नेटिक पेन एज को डिटेक्ट करेगी। लो कॉन्ट्रास्ट इमेज के लिए यहाँ पे हायर वैल्यू सिलेक्ट करना बेहतर रहेगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रेंज 0 से 100 के बीच होती है, जो कि एंकर पॉइंट्स को दर्शाती है। और पेन प्रेशर ऑप्शन अगर आप प्रेशर सेंसिटिव ड्राइंग टैबलेट यूज कर रहे हैं तो ही अवेलेबल होगा। अब हम इस टूल को डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देते हैं। अब इस सनफ्लावर को मैग्नेटिक पेन की मदद से सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए मैग्नेटिक पेन से सब्जेक्ट की एज पे कहीं भी क्लिक करेंगे और माउस को एज पे धीरे धीरे मूव करेंगे और इसके साथ ही नए एंकर पॉइंट सब्जेक्ट की एज के साथ स्नैप होते जाएंगे और पथ क्रिएट होता जाएगा इस तरह से।
मैग्नेटिक पेन से कहीं भी आपको लगे कि पथ की डायरेक्शन चेंज हो रही है या गलत जगह पे एंकर पॉइंट स्नैप हो गया है, तो एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए बैकस्पेस का यूज़ कर सकते हैं और सही जगह पे एंकर पॉइंट रखने के लिए क्लिक करके पॉइंट रख सकते हैं। अब पथ को क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे जाएंगे और माउस को ऊवर करते ही मैग्नेटिक पेन साइन के साथ नीचे की ओर एक सर्कल आ जाएगा और अब यहाँ पे क्लिक करते ही पथ पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन अधूरा रह गया है। इसे पूरा करने के लिए यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करके उसे सिलेक्ट करके अंदर की ओर ड्रैग करेंगे। अब ऑल्ट की को प्रेस करके कंट्रोल पॉइंट की मदद से इसके कर्व और लेंथ को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे पथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ ही मेक सिलेक्शन नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते ही पथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन बार में सिलेक्ट में जाके इसे इन्वर्स कर देंगे। अब डिलीट की को प्रेस करते ही बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर की विजिबिलिटी को हाइड कर देने से ये देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।